मुझे आज बिलीव है कि ये वर्ड जो आज आप सुनने जा रहे हो आपको बिल्कुल भी सेम नहीं रखेगा। एक चीज जो मैं आपको हफ्तों से बता रहा हूं कि जब आप वर्ड को पढ़ते हैं आप परमेश्वर को रियलिटी में एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे आप क्रिश्चियन हो, सेवा में हो, आप वॉलंटियर हो, अच्छे विश्वासी हो, लेकिन आप जानते हैं कि शैतान कॉन्टिन्यूज हमारे साथ बैटल करता है। उसका बैटल फील्ड, उसका लड़ने का स्थान हमारा मन, हमारा दिमाग है। और बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा पत्रस से कहा कि तुम अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस लो। और बाइबल कहती हमारी बुद्धि की कमर क्या है, हमारी जो कमर है वो हमारी बुद्धि। सच्चाई से लिखा अपनी कमर कस। तो पत्रस ने कहा अब बुद्धि, अपनी बुद्धि को यानी इस दिमाग को कस लो। इससे कहता सच्चाई से अपनी कमर कसो, और पत्रस कहता तुम्हारी कमर जो है ना आत्मिक वो बुद्धि है, यानी बुद्धि को कस लो। यानी जब आप वर्ड पढ़ते या सुनते हैं उसके बाद गॉड्स रियलिटी आपकी लाइफ पे प्रकट होती, और शैतान एक हिडन प्लान के साथ आपकी लाइफ में काम करता है। धीरे धीरे अविश्वास में लेके जाके, धीरे 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 उसके बाद अटैक करने के बाद, पाप करवाने के बाद खुदावन से डिस्कनेक्ट करता है। फिर वो क्रिश्चियन किसी काम का नहीं, वो दुनिया के लिए क्रिश्चियन है, दुनिया के लिए पास्टर है, दुनिया के लिए प्रॉफिट है, दुनिया के लिए प्रेरित है, दुनिया के लिए पास्टर, लेकिन परमेश्वर के सामने फिर वो कुछ भी नहीं। और देखिए मेरी बात सुनो ध्यान से, बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो लिखा इजहाक की आंखें उसकी उम्र के लास्ट तक धुंधली हो चुकी थी पर उसके वर्ड्स में पावर थी। आप क्या सोचते हैं शैतान उसको बोलता होगा, एक अगर परमेश्वर जिंदा तेरी आंखें धुंधली क्यों हो गई। बाइबल कहती एली की आंखें धुंधली थी, लेकिन बाइबल कहती उसके वचनों में सामर्थ्य थी। जब उसने हन्ना को बोला कि जा परमेश्वर का, इजराइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वर दे, तो बाइबल कहती उसी साल वो प्रेग्नेंट हुई। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो लिखा कि बहुत से नबी जो इजराइल के राजाओं को गाइड करते थे और जिसने इजराइल के एक सेनापति के लिए प्रोफेटिक वर्ड दिया कि तू इजराइल का राजा होगा, बाइबल कहती उस नबी की आंखें धुंधली थी। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसको शैतान बोले अगर परमेश्वर जिंदा है तो ये क्यों। पौलुस कहता है मेरे शरीर पर कांटा चुभोया गया, यानी परमेश्वर किसी भी दुख को एक धर्मी की जिंदगी में रख सकता है, उसको सिखाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना आप जाहिर करने के लिए, उसको हम्बल करने के लिए। पर उस दुख को आप इस्तेमाल ना होने दो कि शैतान उस दुख को लेके आपको ये बताने की कोशिश करे कि क्या यहोवा जिंदा है कि नहीं, क्योंकि ये शैतान का प्लान है। अगर यहोवा जिंदा है वो हील क्यों नहीं हुआ, अगर यहोवा जिंदा है तो ऐसा क्यों है, अगर यहोवा जिंदा है वो ऐसा क्यों है। बाइबल कहती उसके अलावा आपको बहुत सारी टेस्टिमनीज दी गई, बहुत सारी गवाहियां आपको दी गई। बाइबल कहती परमेश्वर अपने चिन्हों को भी देगा, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी देगा, वो अपने प्रेरितों के द्वारा अपने चिन्हों को भी दिखाएगा ताकि तुम विश्वास कर सको यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। और जब आप जीवित परमेश्वर पर आपका विश्वास हो जाता है, आपका विश्वास ये भी हो जाता है कि आपने पवित्रताई में रहना है, आपका विश्वास ये भी हो जाता है नहीं मुझे स्टैंड लेना है, मुझे परवाह नहीं करनी पवित्रताई के लिए कोई कदम उठाना पड़े, चाहे मुझे बॉस को बोलना पड़े, चाहे मुझे स्टाफ को बोलना पड़े, चाहे मुझे घर वालों को बोलना पड़े, जो भी कदम उठाना चाहिए मैं उसे उठाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसीलिए शैतान सामर्थी सेवकों के साथ लड़ता है क्योंकि उसको मालूम है कि इन सेवकों के कारण, इन लोगों के कारण जो आत्मा के चिन्हों और के सामर्थ के साथ काम करते हैं, लोगों का विश्वास बढ़ा हुआ है और बढ़े हुए विश्वास के कारण ये पाप नहीं कर रहे। इसलिए आज आपको समझने की जरूरत है कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, अभी भी जब आप सुन रहे हैं मुझको, आपके अंदर फेथ इंपार्ट कर रहा हूं मैं, आपके अंदर विश्वास की इंपार्टेशन मैं कर रहा हूं, और यही फेथ हर जगह काम आएगा। ये फेथ आपके फाइनेंस में काम आएगा, स्पिरिचुअल लाइफ में काम आएगा, मैरिटल लाइफ में काम आएगा। यही फेथ, यही विश्वास आपकी हर एक जिंदगी के ऊपर काम करेगा। आज जब आप इस वर्ड को सुन रहे हैं आपके अंदर विश्वास की इंपार्टेशन हो रही, और जब आप घर बैठे वर्ड
पढ़ते हैं तो जीसस क्राइस्ट की रियलिटी रियल में आपकी लाइफ के ऊपर वो जाहिर करता है और आपकी बुद्धि इस वचन के साथ भरती और शैतान के पास फिर वो हथियार नहीं होता कि वो धीरे धीरे गुपचुप, क्योंकि वो पेशेंस में रखता है अपने आप को, उसे मालूम है, उसको एक्सपीरियंस है सालों का, उसने बहुत लोगों को गिराया, बहुत लोगों को गिरा नहीं पाया, उसको मालूम है कैसे धीरे धीरे काम करना है, कैसे धीरे धीरे एक बंदे को उसकी उन्नति के कारण से दूर करना है, धीरे धीरे कैसे मैंने इसको अलग करना है, धीरे धीरे वो काम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप वाइज इनफ हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप उसके प्लान को फर्स्ट पॉइंट पे समझ जाएंगे कि ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अब मुझे और फास्टिंग करनी और प्रेयर करनी और बाइबल पढ़नी। कल शाम को जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में गया तो मैं सुबह कुछ बजे बाहर आया और मैं हैरान था कि मैं इतने घंटे में क्या करता रहा और अभी भी प्रेयर की प्यास बुझी नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक असाइनमेंट जो मुझे पूरी करनी है, जो मुझे मिली एक असाइनमेंट, एक होमवर्क आपको मिला, एक काम खुदावंद का आप लोगों को मिला, आप उस काम को पूरा नहीं कर सकते जब तक आप फेथ में नहीं और जब तक आप पाप से रहित नहीं। और पाप से रहित होने के लिए फेथ में बढ़ना पड़ेगा और फेथ आता है, बिलीव आता है, विश्वास आता है जब आप वर्ड में जाते हैं। आप वचन पढ़ते हैं आपको रियलिटी होती है, आप वचन पढ़ते हैं रियलिटी आपकी लाइफ में एंटर करती है, आपके ब्रेन में, आपके बुद्धि जो कमर है, आपकी मसीही कमर है जो, उसमें वो वचन भरता जाता है और शैतान की पावर वो लूज करता है। जिसको ये जितना वर्ड पता है वो उतना आशीषित है। गिफ्टेड मिनिस्ट्रीज उठी बैठ गई, लेकिन वर्ड प्लस गिफ्ट वो मिनिस्ट्रीज जेनरेशन तक मैंने जाती हुई देखी। मिनिस्ट्रीज ऐसी भी देखी, हीलिंग, एक अटैक हुआ, डेथ हो गई, खत्म हो गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि वर्ड की डेप्थ में जाना जरूरी, सामर्थ को लेना जरूरी, हीलिंग डिलीवरेंस पावर लेना जरूरी और वर्ड की डेप्थ में जाना और होलीनेस में जाना ये बहुत जरूरी। आज जो वर्ड आप पढ़ने जा रहे हैं लूका 8 उसकी 4 आयत को मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। उसमें लिखा, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, कुछ चट्टान पे गिरा, उपजा और तरी न मिलने से सूख गया, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, झाड़ियों ने साथ साथ बढ़के उसे दबा दिया, कुछ अच्छी भूमि पे गिरा, उगकर सोगुना फल लाया। ये कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके चेलों ने उससे पूछा, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? इस दृष्टांत को आप सुन चुके हो कि यीशु मसीह ने कहा ऐसा होगा कि झाड़ियों का मतलब ये है, बीज का मतलब ये है कि शैतान चुरा गया, झाड़ियों का मतलब संसार की चिंता उसे दबा गई। लेकिन एक और चीज है जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताई, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताई, आप उसे सुनना ध्यान से। आपने नोटिस किया कि बीज बोने वाले के हाथ में, मान लो ये बीज है मेरे पास, ये भरा हुआ है बीज से, और लिखा बोने वाला बीज बोता गया। आप देखो बीज सेम है, अलग अलग नहीं है, या इसके ऊपर अच्छे वाला है और नीचे थोड़ा सा मीडियम है, उससे नीचे सबसे खराब है, ऐसा नहीं, बीज सेम है। पर मायने ये रखता है वो गिरा कहां, वो गिरा कहां है। बीज सेम है, याद रखो आज हम अनॉइंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि बीज सेम है, वो अलग अलग नहीं, लेकिन गिरा कहां ये मायने रखता है। हम रोमियो की पुस्तक 15 उसकी 16 से लेके उसकी 23 आयत तक पढ़ेंगे कि ये पौलुस कह रहा है कि मैं अन्य जातियों के लिए यीशु मसीह का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं यीशु मसीह में बढ़ाई कर सकता हूं, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात में कहने का साहस नहीं जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए। उसने कहा, वचन, कर्म, चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से
और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए, यहां तक कि यरूशलम से लेकर चारों ओर इलू रिकुम तक मसीह के सुसमाचार का मैंने पूरा पूरा प्रचार किया। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्होंने उनका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार बार रुका रहा, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही और बहुत वर्षों से तुम्हारे पास आने की मुझे लालसा है। उसने कहा कि अन्य जातियों के ऊपर कहता वचन, कर्म, चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उसने मेरे द्वारा कार्य किए। कहता इरुकलम तक। अब ध्यान से आप सुनना, इरुकलम जो जगह है वो जहां पौलुस पैदा हुआ इज़राइल में, उससे कई सौ किलोमीटर दूर है, और ये वो जगह है जो आज यूरोप के पास है। उस समय की घनता वाली आबादी वो यूरोप में थी, इज़राइल में थी, उसके आसपास थी, मिस्र में थी। जो रोमन एम्पायर था, जो मिस्र का एम्पायर था, वो सबसे बड़ा था उस टाइम के ऊपर। पौलुस ने कहा इस पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं इतना काम कर चुका हूं। 23 आयत में कहता उन देशों में कहता मेरे कार्य के लिए अब जगह नहीं बची। जोर से बोलो हालेलुया। कहता मैंने इतना परमेश्वर का कार्य किया, कहता वो पूरे के पूरे देशों में परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जा चुका है और कलीसियाएं स्थापित हो चुकी। लेकिन किस चीज से? सबसे पहला उसने कहा वचन, जो आज पाठ मिस करते लोग। और लोग पता क्या सोचते हैं कि मैं वचन सुनाऊंगा तो मैं वचन पे खड़ा हूं। नो 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 नो, वचन का मतलब उसको कंप्लीट करना। अगर आप एक स्पिरिचुअल पास्टर हैं, आप कभी भी अनॉइंटिंग ऑयल की खिलाफत नहीं करेंगे अगर आप रियल स्पिरिचुअल हैं तो। पर अगर आप सिर्फ टीचर हैं बाइबल के और होली स्पिरिट आप में नहीं, आप सिर्फ टीचिंग करते हैं, इधर से सुन लिया उधर से सुन लिया, टीच कर दिया, लोगों को बता दिया परमेश्वर के बारे में, आप एक टीचर जैसे सोशल स्टडी का टीचर है, जैसे इंग्लिश का अच्छा टीचर है, मैथ का अच्छा टीचर है, आप बाइबल के अच्छे टीचर है, लेकिन होली स्पिरिट के आप सेवक नहीं। बाइबल कहती पौलुस के शरीर से रुमालों को छुआकर बीमारों पर लगाते थे और बीमार चंगा होता था। अब हमें रुमाल की वर्शिप नहीं करनी, हमें खुदा पे फेथ है, तेल का वर्शिप नहीं करना, लेकिन खुदा पे फेथ है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट को परमेश्वर यूज करता है। उसने कहा कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करता है अपनी हीलिंग पावर को दिखाने के लिए। एलिशा ने कहा ये ले मेरी छड़ी ले जा, लड़के पे लगा और रास्ते में किसी को हेलो हाय मत करना। वो अलग बात है गेजी ने की और काम नहीं हुआ, लेकिन बाइबल कहती बहुत से ऐसे टाइम थे जब पौलुस के शरीर पर रुमाल और गोछों को बांध छुआ के बीमारों पर लगाते तो चंगी और दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। इसका मतलब ये नहीं उस रुमाल की पूजा करें, इसका मतलब नहीं पास्टर की पूजा करें, नो, इसका मतलब खुदा की वर्शिप करो लेकिन उसके वचन पे फुली फेथ करो। अच्छे टीचर को हो सकते हैं लेकिन होली स्पिरिट के सर्वेंट बहुत कम। उसने कहा कर्म, कर्म मतलब प्रैक्टिकल, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ से, चिन्हों के लिए मैं आपको एक वर्ड पढ़ाना चाहता हूं, 4592 शब्द। इसका मतलब है चिन्ह। चिन्ह का मतलब इब्रानी यूनानी भाषा में है, ग्रीक भाषा में है सेमीन। सेमीन का मतलब मिरेकल, साइन, टोकन, वंडर। टोकन का मतलब है साइंस, वंडर्स। टोकन यानी जैसे शमूएल ने कहा था तू रास्ते में जाएगा, तेरे को एक नबियों का दल मिलेगा, तू उनके बीच में जाएगा, तू नबूवत करने लगेगा, ये सामर्थ थी। और दूसरा उसने कहा चिन्ह और अद्भुत काम, जैसे मेरी जो चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स, ये यहां का है। चिन्ह और अद्भुत काम। अब अद्भुत काम को अगर हम इस यूनानी भाषा में अद्भुत काम को हम पढ़ेंगे इसके अगले को, तो वो है 1411 शब्द, जिसका मतलब है
फोर्स, इसको इसको हम दोबारा पढ़ेंगे अभी। ये सुनना और ये समझना ये बहुत ही जरूरी, जो जो अद्भुत काम है उसका, ये डुनामिस जो है इसका मतलब है अद्भुत काम की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे ही द्वारा कार्य किए। सामर्थ का मतलब है ये डुनामिस, जो 5,059 शब्द है जिसका मतलब है टेरास। टेरास का शब्द जो हम पढ़ेंगे जिसका मतलब प्रोजियोस है, अद्भुत वस्तु। चिन्ह हमने पढ़ लिया कि मिरेकल, साइंस एंड वंडर, और अद्भुत काम का मतलब ये है प्रोजियस, जिसका मतलब है विलक्षण गुण संपन्न मनुष्य। पॉलुस कहता है ये चिन्ह यानी मिरेकल, साइंस, वंडर्स, टोकन और विलक्षण गुण संपन्न यानी अद्भुत कामों के जरिए ही पवित्र आत्मा की सामर्थ यानी डुनामिस यानी फोर्स यानी वायलेंस। लोग बोलते हैं आराम से वर्शिप करना चाहिए, ये क्या तालियों के साथ ये क्या नाच रहे हैं। जब पवित्र आत्मा की रियल डुनामिस आती, डायनामाइट शब्द जो है वो डुनामिस से निकला, डायनामाइट जिसे हम बड़े बड़े जो खदाने उनको फाड़ने के लिए बम लगाते हैं डायनामाइट, वो डायनामाइट डुनामिस से निकला। डुनामिस का मतलब फोर्स वाली सामर्थ्य, जब एक व्यक्ति के ऊपर आती वो आराम से नहीं बैठ सकता, वो सामर्थ्य है, वो फोर्सफुली, वो वायलेंट है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर। और लिखा इस वायलेंस से और चिन्ह से मिरेकल्स, साइंस, ये बाइबल कह रही। लोग सोचते हम आएंगे दो किताबें इधर से पढ़ के और वचन बोलेंगे और लोग बोलेंगे हाँ ये वचन पे चलने वाला सेवक है। नो, लिखा वचन, कौन सा वचन? अब जो मैं वचन पढ़ रहा हूं, कह रहा चिन्ह, साइंस, मिरेकल्स, वंडर्स और कहता अद्भुत काम, प्रोजियस वर्क। वाह ये क्या हो गया, अद्भुत कार्य। कहता इन से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से, कहता मैंने इरुकलम तक, इरुकलम यानी इज़राइल इधर और इरुकलम ओ दूर लास्ट तक। पुराने टाइम में जो ज्यादा लोग होते थे, जो जिसे हम बोलते घनत्व वाले इलाके, ज्यादा क्राउड वाले इलाके जो होते थे वो नदियों के पास रहते थे, क्योंकि तब सबमर्सिबल नहीं होते थे। आए तो जहां घर बनाओ सबमर्सिबल 200 फुट में करो, नहीं आए तो 1000 फुट में करो, पानी नीचे से निकालो रहो। लेकिन पुराने टाइम में सबमर्सिबल नहीं थे तो लोग नदियों के पास रहते थे, और जहां इरुकलम है वहां नदियां हैं, वहां बहुत सी नदियां, वहां समंदर के साथ नदियां अटैच हैं, और ज्यादा घनत्व वाला आबादी वहां थी। और पौलुस ने स्पेन से लेके, अगर इसने स्पेन की बात की है, इसने आज जो क्रोशिया है, आज जो स्पेन है, आज जो इटली है, वो उन देशों में वहां पे उसने कहता मैंने इतना प्रीच कर चुका हूं कि उन देशों में मेरे प्रीच करने के लिए कोई जगह नहीं। आप इमेजिन करो एक बंदा आपसे बोल रहा है कि मैं इतना प्रचार इन देशों में कर चुका हूं, अब मेरे लिए कोई काम बाकी नहीं है। आप समझ सकते हैं वो कितनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है। कारण क्या? कहता इस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, डुनामिस से, पढ़ेंगे डुनामिस शब्द को हम, कहता इस डुनामिस से, कहता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यानी डुनामिस, पावर, स्ट्रेंथ, वायलेंस, वंडरफुल वर्क, मिरेकुलस पावर, दैट्स इट, मिरेकुलस पावर। भूल जाओ आप अकेला बाइबल के वर्ड लेके जाओगे ठंडे ठंडे और लोग बदल जाएंगे, भूल जाओ। उनका एक पार्ट आप चेंज कर सकते हो पर कंप्लीट डिलीवरेंस आप नहीं दे सकते हो। कहता मैंने इतना प्रीच किया, किससे? कहता वचन, कर्म। अब कर्म की बात मैं करता हूं। लोग बोलते हैं फेसबुक पे मुझे सामर्थ चाहिए, आप मेरे लिए प्रेयर करना। अब मैं आता हूं उस वर्ड के ऊपर जो मैंने आपसे शुरू किया था। याद रखो बीज वही है पर मायने ये रखता है वो गिरा कहां है। विश्वासी वही है, वॉलंटियर वही है, मायने ये रखता है वो है कहां पे। व्हाट इज द फिजिकल पोजीशन, उसका जो फिजिकल पोजीशन है, उसकी जो फिजिकल पोजीशन है वो कहां पे है?
आप हजारों किलोमीटर दूर बैठे आ सकते लोग, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक फेसबुक के मैसेज से हमें सामर्थ मिल जाए। पौलुस ने कहा वचन कर्म, कर्म मतलब वर्क, मेहनत, उस सामर्थ के लिए जिसको मैं आपको बता रहा हूं, जिसने देश बदल दिए। कहता मेरे लिए जगह नहीं रही, कहां जाऊं। कहता मैं यरूशलम के पवित्र लोगों को, गरीब लोगों को वहां चंदा करने जा रहा हूं, यरूशलम में पैसा देने जा रहा हूं, मैं पैसा बोने जा रहा हूं। अब कहता उन देशों में मेरे लिए जगह नहीं। भूल जाओ पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना आप लोगों को चेंज कर पाओगे इस हैवी तादाद में। कहता तुम्हें वायलेंस चाहिए, डुनामिस, डायनामाइट पावर, मिरेकल्स, हीलिंग, वंडर्स, मिरेकल्स, कोई लॉकडाउन इस पावर को रोक नहीं सकता। कहता मिरेकल्स पावर, साइंस, अद्भुत काम, टेरास, प्रोजियस वर्क, विलक्षण गुण संपन्न मनुष्य जिसके पास नेचुरल मनुष्य से कुछ अलग है, और हम जानते हैं हमारे पास कुछ अलग नहीं सिवाय परमेश्वर के, और उसके कारण आज हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए हैं। हालेलुया। इस वर्ड को हम दोबारा पढ़ेंगे जिसका मतलब है चिन्ह, पहला शब्द जो यूनानी भाषा का हमने पढ़ा। इस वर्ड को मैं चाहता हूं आप इस पे मनन करें। 4592 सीमन मतलब मिरेकल, स्पेशली सेरेमोनियली और सुपरनेचुरली, सुपरनेचुरल मिरेकल, साइन, टोकन, वंडर। कहता सुपरनेचुरल साइंस, कहता पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप समझ रहे हैं कि मुझे अभिषेक चाहिए, अगर नहीं है तो भूल जाओ। वो वर्शिपर जो अधीनगी में ज्यादा है ज्यादा अनॉइंटिंग तरीके से गा सकते, दूसरे आपको आर्टिस्ट टाइप लगेंगे, क्योंकि ये सब्सटेंस अनॉइंटिंग ये बहुत प्रेशियस है, परमेश्वर हर एक को नहीं देना चाहता क्योंकि इसका मिसयूज होता है आज भी, क्योंकि करैक्टर लूज करने के बाद ये कई लोगों की लाइफ में कुछ देर तक बना रह सकता है क्योंकि ये गिफ्ट है। ये सुनो ध्यान से, उसने कहा पवित्र आत्मा की सामर्थ से, कहता चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किए। अब हमने चिन्ह पढ़ा, अब हम अद्भुत काम के उस शब्द को पढ़ते हैं, टेरास, अद्भुत काम, 5,079, ये है अद्भुत यानी टेरास, वंडर, प्रोजियस, विलक्षण गुण संपन्न मनुष्य जिसके पास परमेश्वर की सुपर नेचुरल पावर। कहता मैंने ये सामर्थ से, कहता यरूशलम के चारों ओर इरुकलम तक, मेरे भाई तब प्लेन्स नहीं होते थे, मतलब अगर कोई 800 किलोमीटर जा रहा है तो ये ह्यूज काम था, महीनों का सफर था, और उसने अपने घेरे में इतना ज्यादा सुसमाचार सुना दिया था अन्य जातियों को जिन्होंने यीशु मसीह का नाम तक नहीं सुना था। और कहता किससे, कहता इस अनॉइंटिंग्स, इस दुनामिस, इस पावर से, इस अभिषेक से, इस वायलेंस से, इस आग से। अगर किसी के पैरों नीचे आग जल गया बोले आराम से बैठ जाओ तो वो आराम से नहीं बैठ पाएगा, उई करेगा वो। जब अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में आती है आप आराम से वर्शिप नहीं कर सकते, आप आराम से प्रार्थना नहीं कर सकते। बाइबल कहती है यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा ऊंचे शब्द में बोलता है अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आके पी। आप ध्यान से समझो, उसमें लिखा कहता 23 अध्याय में इन देशों में मेरे कार्य के लिए जगह नहीं रही, पर कारण क्या, अनॉइंटिंग, अभिषेक, The Church of Signs and Wonders, अद्भुत miraculous काम। मैंने ऐसे लोग देखे जिनकी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट है और उन्हें मालूम उन्हें सामर्थ्य की जरूरत है, और वो किसी ऐसी संगति का हिस्सा जहां उन्हें मालूम है कि सामर्थ्य नाम की कोई चीज नहीं। अब उस संगति के अगुए ने उन्हें चर्च का सेक्रेटरी बना दिया, अब वो हिल नहीं रहा वहां से, उसे लग रहा है मैं तो सेक्रेटरी हूं, मैं तो सेक्रेटरी भाई हूं। उस पोजीशन ने उसकी आंखों को बंद कर दिया,
कि उसे अभिषेक की जरूरत है, उसे पोजीशन की जरूरत है। जब होली स्पिरिट की अगुवाई से मसा किया जाएगा तो वो नजर आएगा, और ये मायने रखता है कौन आपके सिर पे हाथ रख रहा है, क्योंकि वही अभिषेक आपकी लाइफ में रहेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति दूर से कहे मुझे भी अभिषेक मिल जाए, जब तक वो कर्म नहीं करता, उस मसीह के साथ जुड़ता नहीं, उस मसीह पे बोता नहीं, उस मसीह के अधीन नहीं रहता, उस मसीह की बात नहीं सुनता। जितना मसा हाई होगा उतनी उसकी डिमांड ज्यादा होगी, वो डिमांड पैसों की नहीं होगी, पैसों की नहीं होगी। जितना मसा हाई होगा उतना वो डिमांडिंग होगा, उतना डिमांडिंग होगा। जितना मसा कम होगा उतना अवेलेबल होगा, उतना डिमांडिंग कम होगा। फेरारी की कभी आपने एड देखी है कि फेरारी ले लो बड़ी तेज चलती है, लैम्बोर्गिनी ले लो बड़ी अच्छी खुलती है, दरवाजा उसका क्या मस्त खुलता है? कभी नहीं। लेकिन फिर भी बुकिंग पे है। कभी रोल्स रॉयस की एड देखी है, फिर भी उसे देने से पहले आपके आपके स्टैंडर्ड को चेक करते हो कि आप इस स्टैंडर्ड के काबिल हैं कि आप ये कार खरीद सके। आपका स्टैंडर्ड क्या, आप क्या सोशल वैल्यू है? आप जो रियल अनॉइंटिंग है वो डिमांडिंग है, वो डिमांड करती कि चल मेरे पीछे, मैं मम्मी डैडी को चुम्मी दे आऊं, गधा भाग जाए यहां से, मैं तुझे क्या कहा? और लिखा सब बैल उसने कुर्बान किए, एलिया के पीछे होकर उसके हाथ पांव धुलाने लगा। एक अमीर बंदा, आज खुदाबंद थोड़ा सा किसी को ब्लेस कर दे, उसकी हालत देखने वाली होती, उसके उसके ढंग चंग देखने वाले होते। वो बंदा जो अमीर है, लिखा उसके हाथ पैर धुला रहे एवरी डे, नॉट वंस। आज ह्यूमिलिटी, आज नम्रता की कमी है, इसीलिए आज मसीह की कमी है। और कुछ भी कर लो, अगर आप क्रिश्चियन हो, आपको बिजनेस चलाने के लिए अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको हाउस वाइफ है, आपको हाउस को ऑर्डर में रखने के लिए अनॉइंटिंग की जरूरत है। कैसे बच्चे बिगड़ते हैं? मां की वजह से। मां ने सारा दिन घर में रहना, पहले वो बाप से बातें छुपाती, उसके बाद सब हाथ से निकल जाता है, क्योंकि अनॉइंटिंग की कमी, बुद्धि की कमी। आज कौन लोग पाप कर रहे हैं जिनकी लाइफ में मसा नहीं? क्यों? क्योंकि इसी वचन में उसका हल है। रोमियो की पुस्तक 15 उसकी 13 आयत को मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। उसमें लिखा, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा कहता तुम्हारी बढ़ती जाए, कैसे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। सामर्थी व्यक्ति ज्यादा फेथफुल होंगे खुदावंद के साथ, वो ज्यादा होपफुल होंगे, ज्यादा पॉजिटिव होंगे, ज्यादा आनंदित होंगे, ज्यादा आशीषित होंगे। क्यों? क्योंकि लिखा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। सिर्फ चार बुक्स पढ़ने से नहीं, इस अनॉइंटिंग से और उसके बाद वर्ड की डेप्थ से कहता तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा बढ़ने से क्या होता है कि एक बंदा बीमार है लेकिन उसकी आशा बढ़ रही, एक दिन मैं टेस्टिमनी दूंगा, वो पाप में नहीं जा रहा, वो बहन जी फलाना बाबा आया मत्था टेक दो यीशु में समझ के, ठीक हो जाओ चर्च जाते रहना, नो। और उसकी आशा बढ़ रही, वो कहीं नहीं जाएगा, किसी वायरस से वो डरेगा नहीं, घर में डरपोक बन के नहीं बैठेगा। क्यों? उसकी आशा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कहता ये बढ़ती जाए। ये अनॉइंटिंग जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा फ्यूल है, ये एक ऐसा तेल है, ऐसा पेट्रोल है, जिसके बिना दुनिया की बड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़ी से बड़ी चीज कुछ नहीं चल सकता। ये अनॉइंटिंग आपको चाहिए, ये अभिषेक आपको चाहिए। इस अभिषेक के द्वारा बाइबल कहता मैंने इरुकलम तक, यरूशलम के चारों ओर, कहता मैंने इतना प्रीच किया है कि उन देशों में मेरे लिए जगह नहीं। जब मैंने ये वर्ड पढ़ा था, मैंने कहा था वाव, इस अनॉइंटिंग से, इस साइन से, वंडर से, पवित्र आत्मा के डुनामिस डायनामिट्स, उस ब्लास्टिंग पावर, मिरेकुलस वंडरस पावर से उसने इतना प्रीच किया कि उसके लिए जगह नहीं रही, कि लोग मसीह में आ चुके। उसके बाद प्राचीन वहां पे डीकन्स, वहां पे इवेंजलिस्ट स्थापित हो चुके। इतना काम किया उसने इस सामर्थ्य की, आज एक सेवक को, आज एक विश्वासी को इस सामर्थ्य की जरूरत है।
उसे गेम्स खेलने की जरूरत नहीं, उसे डाटा देख के प्रोफेसी मारने की जरूरत नहीं। इस सामर्थ को अगर आप पा लेंगे आपको कुछ जरूरत नहीं। यह सामर्थ एक मैग्नेट बन जाएगा आपकी सेवकाई के लिए। यह सामर्थ आपको अगले लेवल पे लेके जाएगा। आप पॉलिटिकल में हो, आप बिजनेसमैन हो, आप हाउसवाइफ हो, ये अनॉइंटिंग, और याद रखो अनॉइंटिंग मैटर करती आपकी फिजिकल पोजीशन कहां पे। आप फंसे हुए उस घेरे में और आप चाहते मसा वो वाला। आप फंसे तो इंडोनेशिया में, लेकिन आप चाहते कि भारत की सरकार आपको सारी सहूलतें दे। आपको उस देश के साथ बैठना और उसका वासी बनना पड़ेगा। आपको उस संगति में रहना पड़ेगा जहां ये अभिषेक है। आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो कर्म है, कहता वचन और कर्म, ये कर्म बहुत कम लोग करते हैं। चाहने से कुछ नहीं होगा, आप 10 साल चाहते रहो अभिषेक। स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको, कदम उठाने पड़ेंगे आपको कि ये अभिषेक के लिए मैं क्या करूं, किस संगति में जाऊं, किसके साथ जुड़ूं, अटैच हूं, मेरी संगति किन लोगों के साथ है। आप मुझे अपने दोस्त बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताता हूं। ये एक मुहावरा है, आप मुझे अपने दोस्त बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताता हूं। आपकी संगति टिकटॉकियन के साथ है। कोई भी ऐप बुरी नहीं, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी जहां पे सिर्फ सेक्स, जहां पे सिर्फ बुरी चीजें, जहां पे नंगापन ढंगापन दिखाया जा रहा है, तो एक अच्छी चीज को ढूंढने में आप 99 बुरी देखेंगे। कोई ऐप बुरी नहीं, लेकिन उस ऐप पे चल क्या रहा है ये देखने की जरूरत। आपको क्या दिखाया जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ आपकी संगति है, कहां फंसे हुए हो आप, आपको निकलना है। और ये अनॉइंटिंग, ये पोजीशन देख के नहीं आती कि ये बंदा बड़ी अच्छी पोजीशन, नो, ये एक रिक्शा वाला पे आ सकती है अगर वो खुल के पुकारे, अपनी लाइफ को पवित्रता ही में रखे। ये ऑटो वाला पे आ सकती है, अमीर पे आ सकती है, पॉलिटिशियन पे आ सकती है। अब हम सुनेंगे भजन संहिता 18 उसकी 34 आयत को। उसमें लिखा, वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है और मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। कहता वो मुझे युद्ध करना मेरे हाथों को सिखाता है, मेरी बाहों से पीतल का। पीतल ये कोई वो धातु नहीं है कि आप एल्यूमिनियम की तरह उसे मोड़ देंगे। सख्त, वेरी स्ट्रॉन्ग, कड़क पीतल बहुत मजबूत है। यहां तक कि यीशु मसीह के प्रकाशन में यीशु मसीह के शरीर को एक हिस्से को पीतल का दिखाया गया। कहता पीतल भी मैं झुका दूंगा। आपकी लाइफ पे कुछ अटैक्स ऐसे हैं, वो गरीबी हो, बाप दादाओं से चलती आ रही, वो बीमारी का हो, वो डाइवोर्स का हो, वो डिसअपॉइंटमेंट्स का, निराशा का हो, वो निरुत्साहित लाइफ का हो, वो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद अच्छा हस्बैंड ना मिलने का हो, मिलने के बावजूद डाइवोर्स होने का हो, ये कर्सेस हैं। इन्हें किसी काउंसलिंग की जरूरत नहीं, ये किस्मत का काम नहीं, ये कर्स है। और ये एक पीतल का धनुष है जिसे आपने कोशिश की है किसी तरह से टूट जाने की, लेकिन वो टूटा नहीं। पर बाइबल कहती यहोवा आपको युद्ध करना सिखाता है। कैसे? अनॉइंटिंग के साथ, अभिषेक के साथ। जब आपकी लाइफ के ऊपर आता है, जब अनॉइंटिंग में आप बढ़ते हैं, सामर्थ में आप बढ़ते हैं, आप उस पीतल को भी क्रश, उसको झुका देते हैं। वो चीजें जो सालों से आपकी लाइफ के ऊपर, आपके बाप दादा को नहीं छोड़ा, आपको पकड़ा हुआ, बावजूद इसके कि आप पवित्रता में, आप प्रार्थना में, कहता है इस अनॉइंटिंग की आने की वजह से आप सख्त कामों को करेंगे, सख्त काम जो आपकी लाइफ में। इसीलिए शैतान आपको भरमाता है,
आपको व्यभिचार में गिराना चाहता है। व्यभिचार करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको लड़की की या लड़के की जरूरत पड़े, यहां भी आप कर सकते हो। इधर इधर कर लिया तो 50% कर लिया, खत्म बात। इधर से छोड़ोगे तो रियल छोड़ पाओ। आपको मैं गंदी आदत कैसे छोड़ते उसको बताऊं। अगर आप व्यभिचार की आदत में हैं तो वो आंखों से शुरू होता है। देखना बंद कर दो ऐसी चीजों को जैसे आपको आपकी व्यभिचार जाग जाए। देखना बंद कर दो, आप फ्री हो जाओ। अगर वो सिगरेट है, एक टाइम पे कंट्रोल कर लो, दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, आप फ्री हो जाओ। एक बार जब वो अटैक करती है पावर, तो उस टाइम प्रभु की ताकत और अपनी विल पावर से उसे रोक दो। प्रभु की ताकत ज्यादा, विल पावर कम, तो काम हो जाएगा। थोड़ा हिस्सा आपका, ज्यादा हिस्सा खुदावन, काम हो जाएगा। वो जो सालों से आपके पीछे, years and years, आप थक चुके हो, अक चुके हो, आपको लगता है आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया। एक सिस्टर को मैंने देखा था जब इस मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया 2008 में, वो शायद 11 या 12 में चर्च में आए। वो डेड थी, वो डेड मतलब कभी भी बोल सकते थे अच्छा वो मर गई। उसके ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग मतलब लहू, एक तो होता है बहना, एक तक किसी ने बोतल उल्टी कर दी हो। और कुछ हीलिंग्स ऐसी हैं जो एक बार का काम नहीं है। यीशु मसीह ने लिखा एक अंधे पे दो बार हाथ रख। और जब मैंने उस पर ले हैंड किया, मैं कहता खुदावंद तो मर जाएगी, काला रंग, सूखी हुई ब्लीडिंग, और डॉक्टर से खत्म हो चुके, सालों दवाई खाने के बाद, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, लास्ट होप था चर्च। और मुझे याद है क्योंकि उस टाइम थोड़े लोग होते थे, जब मैं उस पर प्रार्थना करनी शुरू करने लगा तब मेरा ख्याल है 5,000 लोग थे सिर्फ चर्च में। और जब 5,000 लोग होते हैं, आपको तकरीबन लोग फिर भी आपको याद होते हैं अगर आप किसी पर प्रार्थना करते हैं। तो मुझे याद है कि हर संडे, हर थर्सडे में उस पर ले हैंड करता था, एवरी संडे एंड थर्सडे। और धीरे धीरे वो रिकवर होना शुरू हुई, रिकवर। ब्लीडिंग बंद हो गई, फिर शुरू हो गई, फिर बंद हो गई, फिर शुरू हो गई। ले हैंड, प्रेयर, और जुड़ी रही वो चर्च के साथ। आज से कुछ महीने पहले जब मैं ले हैंड करने के लिए गया, तो मैंने उस सिस्टर को बेबी पकड़े या प्रेग्नेंट देखा। मैंने कहा तुम वही नहीं हो? कहती हाँ मैं वही हूं, खुदावंद ने मुझे हील किया, मेरी मैरिज हुई, आज मेरे बेबी है। और वो मेरी लाइफ की एक नहीं हजारों में, लेकिन वो एक लाइव ऐसी टेस्टिमनी है, अकेली एक नहीं बहुत सी हैं, लेकिन उसको मैं जिसको अभी याद कर रहा हूं कि एक मुर्दा को जिंदा होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। और डे बाय डे उसने रिकवर किया, खुद प्रेयर की, अटैच रही अनॉइंटिंग के साथ, और आज वो आजाद है। और उसको कितने साल बाद मैंने देखा, शायद 7-8 साल बाद, थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी गोरी हो चुकी थी, हेल्थी, मैरिड, बेबी, और जीसस। कहता इस अनॉइंटिंग की वजह से, इस अनॉइंटिंग के कारण, कहता इस साइंस, वंडर्स, पवित्र आत्मा की डुनामिस के कारण, कहता मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर यरूशलेम तक पूरा प्रचार किया। अब कहता उन देशों में मेरे काम करने के लिए जगह नहीं। इमेजिन करो एक व्यक्ति जब सामर्थ में आता है, और सामर्थ ये कोई खुदावंद की चुनी हुई चीज नहीं कि किस पे आएगी। कहता वचन, कर्म, कहां हो आप, किस संगति में हो? क्योंकि रियल अनॉइंटिंग डिमांडिंग होगी, अगर वो डिमांडिंग नहीं वो रियल नहीं। रियल अनॉइंटिंग जल्दी अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए नहीं कि हाँ मैं किसी से नहीं मिलूंगा, नो, खुदावंद उसे लेके इस रीति के साथ जाएगा।
यीशु मसीह बोले, प्रभु जी फलाना बंदा आया, प्रधान जी मिलने आए। यीशु मसीह ने कहा, मुझे उधर जाना जरूरी है, क्योंकि होली स्पिरिट आपको बताता है। आपने ये नहीं कि आप जानबूझ के ऐसा सीन, नो, एनॉइंटिंग आपको सिखाती है आपको क्या करना है। इस अनॉइंटिंग की वजह से आप देश बदल सकते हो, इकोनॉमीज चेंज कर सकते हो, ब्लेसिंग अपने देश के लिए बन सकते हो। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यीशु मसीह के बारे में, क्रिश्चियन धर्म नहीं, यीशु मसीह सच्चाई के बारे में बता के पवित्र आत्मा में उनको आप भर सकते हो। अब आप इस बात को समझो कि इस अनॉइंटिंग को पाने के लिए मुझे करना क्या है। इसी भजन संहिता 18 कि 21 आयत के अनुसार 20 आयत से लेके मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पे चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने प्रभु से दूर ना हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया, मेरे हाथों की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था। दयावंत के साथ तू अपने आप को दयावंत दिखाता, खरे के साथ तू अपने आप को खरा दिखाता, शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता। कहता यहोवा के सम्मुख मैं सिद्ध बना रहा, कहता मेरी शुद्धता के अनुसार वो मुझे, उसने मुझे बदला दिया। बहुत से ग्रेस प्रीचर हैं, बोलते ग्रेस यीशु मसीह ने माफ कर दिया, जो मर्जी करो, क्योंकि खुद के पाप छुपाने के लिए आप वचन का सहारा मत लो। वचन कहता मैं तेरे सम्मुख सिद्ध बना रहा। ये वही भजन संहिता है, जब वो सिद्ध बना रहा धनुष झुक गया। कहते जी इन बंदे या ना इंसान है ना, कैसे सिद्ध बने, कैसे, गलती तो हो जाती। यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो, इसका मतलब हम बन सकते हैं। एवरी सेकंड में इस रेवलेशन के साथ जियो, कि खुदावन वो आपके साथ खड़ा है। कहता शुद्ध के साथ तू शुद्ध और टेढ़े के साथ तू तिरछा। कहता उसने मेरे धर्म के अनुसार मुझसे व्यवहार किया। इस अभिषेक को पाने के लिए आप रोज प्रार्थना करते, धर्म के अनुसार, शुद्धता के अनुसार जीते, सिद्ध बन के परमेश्वर को दिखाते, कर्म करते, अच्छी संगतियों में जाते। आप डरते नहीं, घबराते नहीं, शारीरिक पोजिशनों को आप कुछ नहीं समझेंगे अगर आप आत्मिक हैं, क्योंकि भटकते हुए देर नहीं लगती और भटकते हुए समझ भी नहीं आती। दाऊद कहता इसराइल की गिनती करो, उसका सेनापति कहता क्या जरूरत है, कहता करो गिनती, और बाइबल कहती वो पापी ठहरो। कुछ लोगों को मालूम नहीं होता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम होता है वो क्या कर रहे थे। जब होली स्पिरिट से आपको बताया जा रहा है, कहता मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा, और बाद में कहता धनुष छुप गया, पीतल स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग मैन, आपकी लाइफ का मेजर सेटबैक, कहता इस अनॉइंटिंग और सिद्धता की वजह से हट गया। आप रोज गैर भाषा बोलोगे, मेडिटेट करोगे, वचन पढ़ोगे, प्रार्थना करोगे, शुद्ध रहोगे, अनॉइंटिंग से फील होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ टारगेट आपकी लाइफ के, आपकी लाइफ का कुछ मेजर सेटबैक है, आपकी लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम है जिसको दूर होना जरूरी है, और दूसरा सुसमाचार का काम करना जरूरी है। इस अनॉइंटिंग की वजह से अगर ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, ना पहला ना दूसरा। अगर आप छुड़ाए नहीं जाएंगे, आज मैं फ्री हूं, वचन पढ़ता हूं, लोगों के लिए प्रेयर में हूं, चैरिटी में हूं, क्यों, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में फ्री हूं, टेस्टिमनीज ले चुका हूं, जीत चुका हूं, फैमिली बैप्टाइज्ड कर चुका हूं, और आगे भी और काम है, उन्हें मैं करता जाऊंगा यीशु मसीह की दया से। लेकिन एक मेजर फाइट होती है आपकी लाइफ की, जैसे दाऊद की गद्दी तक बैठने की थी, वो जीत चुका, उसके बाद फाइट थी लेकिन वो अलग तरह की थी। आप जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, होली स्पिरिट मुझसे कह रहा है, आप आमीन अगर आपका पड़ोसी सुने ऊंची आवाज में तो आप जीतोगे, पॉलिटिकल कैरियर में आप जीतोगे, लोग आपको बुलाएंगे, बड़े लोग आपको बुलाएंगे, आप देखना खुदा का फेवर आपके जीवन पे होगा यीशु मसीह के नाम। बुद्धि का प्रयोग करना परमेश्वर कहता, हालेलुया। इस अनॉइंटिंग से आप पर्सनली विक्टोरियस होंगे और सुसमाचार के लिए विक्टोरियस होंगे। इस अनॉइंटिंग के ना होने की वजह से बहुत सी चीजें रह जाएंगी,
बहुत सी क्या बहुत सी रह जाएंगी। आपको समझना है, अभिषेक को मांगना है। कहता तुम्हारा पिता, अगर संसारिक पिता रोटी मांगने पर बिच्छू नहीं देता तो तुम्हारा पिता मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा।